हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर इन्फो। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, एक बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट के आज जो कि एक मेरे पास अभी लिस्ट आई है व्हाट्सएप के थ्रू कहीं से। तो फ्रेंड्स, अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर ये नहीं आई है। तो ये फ्रेंड्स लिस्ट है हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की क्लास फोर्थ की लिस्ट है, ठीक है। क्लास फोर्थ की फाइनल सिलेक्शन लिस्ट है जो वो ये आउट हो गई है आज ही की। अभी ऑफिशियल साइट पर नहीं आई है, बट ये आज की ही लिस्ट है, डेटेड 22/10/2021। तो इसमें जो है फाइनल अपॉइंटमेंट डेट आपकी आ गई है कि आपकी ज्वाइनिंग कब हो रही है और आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, कौन कौन सा डिपार्टमेंट कौन से कैंडिडेट को अलाट हुआ है। तो ये भी सिर्फ और सिर्फ जो है हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की ही लिस्ट आई है। तो फ्रेंड, इसमें देखते हैं हम क्या क्या आगे इसमें नोटिफिकेशन में पूरे में आगे क्या है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए आए हैं या अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी फ्यूचर अपडेट हो जो कि वो आपको इस चैनल से मिलती रहे, ठीक है। तो उसके बाद फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें ही डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स हम इसमें। जैसे स्टार्टिंग में ये ऑल ओवर जो पोस्ट फॉरवर्ड की गई थी वो 1879 का इंडेंट जो है वो फॉरवर्ड किया था, बट लास्टली इसमें से कुछ पोस्टें विड्रॉ की गई और अल्टीमेटली जो है SSB को वो टोटल वैकेंसी जो है GAD ने कंसर्न डिपार्टमेंट ने 1499 वैकेंसीज ही जो हैं वो रेफ़र की, ठीक है। उसमें से भी फ्रेंड्स जो है 380 पोस्ट की जो है वो रिकमेंडेशन कमेटी ने वो क्लियर नहीं हुई किसी वजह से, तो अल्टीमेटली जो है 1499 की ही इस पर जो है वो अल्टीमेटली ये रेफ़र की गई SSB को। तो उसके बाद SSB ने जो डिफरेंट फ्रेंड यहाँ पे दिए हैं अलग अलग जहाँ जहाँ वैकेंसी जितनी जितनी वैकेंसीज थी, तो ये हम देखते हैं। GMC श्रीनगर में टोटल 130 वैकेंसी, GMC अनंतनाग में 86, GMC बारामूला 86, GMC डोडा 86, GMC रजौरी 86, GMC जम्मू 394, GMC जम्मू डिविजनल 394, और उसके बाद GMC जम्मू में 30, GDC जम्मू गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज जम्मू 30, GDC कश्मीर डेंटल कॉलेज कश्मीर में आपकी 14। तो ये जो मेडिकल कॉलेजेस की पोस्टें थी फ्रेंड्स, ये टोटल थी इसमें 998, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स आपकी डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विस कश्मीर, इसमें आपकी 22 पोस्ट थी, 22 पोस्ट। और उसके बाद डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विस जम्मू, ठीक है, इसमें जो आपकी वैकेंसीज थी वो 390 थी, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स आपकी डायरेक्टोरेट ऑफ फैमिली वेलफेयर MCH एंड इम्यूनाइजेशन, इसमें आपकी वैकेंसीज जो थी वो 36 थी, ठीक है, 36। उसके बाद फ्रेंड्स आपकी कंट्रोलर ड्रग्स एंड फूड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें आपकी 21। उसके बाद डायरेक्टोरेट आयुष, ठीक है, इसमें फ्रेंड्स आपकी 28 वैकेंसीज थी टोटल, ठीक है। और उसके बाद ANM स्कूल्स जो है उसमें आपकी 4 वैकेंसीज थी, ठीक है। तो टोटल कुल मिला के सारी कैटेगरीज की मिला के आपकी 1499 जो है वो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन में आपकी टोटल वैकेंसीज थी। तो उसमें नेक्स्ट फ्रेंड, उसके बाद जो है अल्टीमेटली अभी डिपार्टमेंट ने टोटल जो है 798 कैंडिडेट को रिकमेंड किया है फाइनल सिलेक्शन के लिए। उसमें से 7 कैंडिडेट्स की जो है वो उनको रिकमेंड किया है, विदहेल्ड किया है उनका केस ड्यू टू सम रीज़न, किसी की वेरिफिकेशन का कोई इशू होगा या डॉक्यूमेंट्स का कोई, तो उनको विदहेल्ड किया है 7 पोस्ट को, ठीक है। तो टोटल कैंडिडेट्स जो थे वो थे आपके 805 जो है अभी रिकमेंड करने थे, जिसमें 7 को विदहेल्ड रखा गया, बट 798 कैंडिडेट्स को है फाइनली जो है उनकी रिकमेंडेशन जो है ज्वाइनिंग के लिए भेज दी है। तो उसके बाद फ्रेंड्स ये ब्रेकअप जो है अलग अलग से जो है दिया गया कैडर का, जैसे अनंतनाग कैडर के जो बच्चे हैं उसमें टोटल सीट्स थी उनकी 66, ठीक है, बारामूला की 67, बडगाम की 1, डिवीज़न जम्मू 224, डिवीज़न कश्मीर 83, डिवीज़न उसके बाद डिवीज़न कश्मीर 83, डोडा 49, गांधरबल 9, जम्मू की 56, कठुआ की 137। फ्रेंड्स ऐसे ही आप पास करके भी इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जो जो पोस्टें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कैडर की जो पोस्ट इसमें थी, ठीक है। तो टोटल वैकेंसीज थी इसमें 805, जिसमें अभी जो है 798 कैंडिडेट को ही फाइनली जिनकी रिकमेंडेशन भेजी गई है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स सब इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें देखते हैं। अभी
उसके बाद अपॉइंटमेंट लेटर ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी इशूड बाई द रिस्पेक्टिव अपॉइंटिंग अथॉरिटीज ऑनली आफ्टर द रिसीप्ट ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ करेक्टर एंड एंटीसीडेंट्स फ्रॉम द CID। ठीक है, अभी CID से जिन जिन का ऑफर फाइनली जो ऑर्डर मिलेगा उसके बाद ही वो आपको अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो भेजा जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद फ्रेंड्स उसके बाद इम्पोर्टेंट हम इसमें देखते हैं कि उसके बाद ये फिर से ये जो है आपकी अनंतनाग की ये कौन कौन से अभी ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग से डिपार्टमेंट जो है वो जैसे GMC अनंतनाग डायरेक्टोरेट ऑफ आयुष फैमिली वेलफेयर इनमें अलग अलग से जो वैकेंसी जो है वो मेंशन की गई है। ठीक है, उसके बाद बारामूला में भी GMC में 65 पोस्ट हैं, फैमिली वेलफेयर में 2 हैं और उसके बाद टोटल जो है 67। ऐसे ही आप पास करके वीडियो को स्क्रीन पर देख सकते हैं कौन से मेडिकल कॉलेज में कितनी, कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितनी पोस्ट हैं। ठीक है, जम्मू में 56 हैं, कठुआ में भी ऐसे ही 60 अराउंड 137 है। तो ऐसे ही आप वीडियो को पॉज करके भी फ्रेंड्स आप पूरी जो है डिटेल पोस्ट की वो देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। ठीक है, तो उसके बाद ये डिटेल्स हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स जो टोटल वैकेंसीज़ हैं वो फाइनली जो है 805 वैकेंसीज़ हैं जो रिकमेंड की गई हैं फाइनल अपॉइंटमेंट के लिए। तो एंड वेयर एज आउट ऑफ 805 सिलेक्टेड कैंडिडेट्स द हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैज़ सो फार रिसीव्ड वेरिफिकेशन रिपोर्ट फ्रॉम द डिप्टी कमिश्नर्स कंसर्न। ठीक है, इन द रिस्पेक्ट ऑफ 582 कैंडिडेट्स। फ्रेंड्स अभी जो जिनकी ये सिलेक्शन है उनमें से जो वेरिफिकेशन भेजी जाती है आपकी CID वेरिफिकेशन के लिए या डिस्ट्रिक्ट DCs जो कंसर्न DCs हैं वो आपकी वेरिफिकेशन करवाते हैं लोकल लेवल पर, तो उसमें फ्रेंड्स अराउंड अभी आप 582 कैंडिडेट्स की ही जो है वेरिफिकेशन हुई है सो फार। तो अभी स्टिल बाकी जो है कुछ की पेंडिंग है, तो इनकी ही रिकमेंडेशन जो है फाइनलिस्ट जो है उनकी ही अभी निकाली गई है जिनकी वेरिफिकेशन हो गई है। इसी रिकमेंडेशन के बेसिस पे JKSSB ने जो है फॉरवर्ड कर दी है जो 582 की लिस्ट, 582 कैंडिडेट्स की लिस्ट को फाइनल सेंशन कर दिया गया। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स उसके बाद जो है इसमें कुछ एनेक्शर टर्म एंड कंडीशन हम देखते हैं और क्या क्या है। अपॉइंटमेंट शैल बी स्ट्रिक्टली गवर्न्ड बाई द कंडीशन लेड डाउन इन द JNK प्रोबेशनरी कंडीशन ऑफ सर्विस पे एंड अलाउंसेस। JK प्रोबेशनरी कंडीशन का जो एक्ट है उसी के हिसाब से आपकी अपॉइंटमेंट होगी। ठीक है, अपॉइंट ए द अपॉइंटीज शैल सबमिट देयर जॉइनिंग रिपोर्ट फिजिकली टू द कंसर्न HODs ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच विद इन अ पीरियड ऑफ 21 डेज ऑफ द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ दिस जॉइनिंग लेटर। ठीक है फ्रेंड्स, ये पॉइंट जो है पॉइंट बी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसमें ये सीधे सीधे लिखा हुआ है कि इस जॉइनिंग इस लेटर के बाद इस जॉइनिंग आपका जो जॉइनिंग लेटर है या आपका ये नोटिस है इसके बाद आपको सिर्फ 21 दिन ही दिए गए हैं, उससे पहले आपने जॉइनिंग करनी है फिजिकली खुद जाके जो जो आपको कंसर्न डिपार्टमेंट मिला है उसके HODs के पास जाके आपने 21 दिन के अंदर अंदर जॉइनिंग करनी है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स द अपॉइंटी शैल बी अलाउड टू जॉइन बाय द कंसर्न हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑनली ऑन द प्रोडक्शन ऑफ द फॉलोइंग सर्टिफिकेट्स। ठीक है, इन ओरिजिनल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो जो अपॉइंटीज हैं उनको ओरिजिनल में ये सर्टिफिकेट जो कि लेके जानी है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, मैट्रिकुलेशन, डेट ऑफ बर्थ और उसके बाद हेल्थ सर्टिफिकेट, आपने मेडिकल सर्टिफिकेट बना के ले जानी है अपने मेडिकल ऑफिसर से, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके जानी है। ठीक है, और उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर एंड DIC एंड एम्प्लॉयमेंट डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर। ठीक है फ्रेंड, DIC से होता है लोन वगैरह अगर आपने लिया है तो वो क्लियरेंस करके देते हैं कि आपने कोई आपके जो है कोई आपने लोन वगैरह जो है वो नहीं लिया है तो वो आपको क्लियरेंस देते हैं, तो एक ये आपको चाहिए। ठीक है, उसके बाद रेलिवेंट कैटेगरी आपकी अगर कोई भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो भी आपने लेके जानी है। ठीक है, और अदर डॉक्यूमेंट्स जो भी आपको ज़रूरत होंगे या आपको आपने जो वेरिफिकेशन के टाइम पर दिए थे सारे डॉक्यूमेंट्स आपने लेके जाने। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स अलाउंस वगैरह ये जैसे प्रोबेशन चलेगा ये आपका, तो इसमें ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड आपकी जो है क्या द प्रोविजन फॉर द प्रोबेशन पे एंड अलाउंस आर फिक्स्ड 10 ईयर फॉर 5 ईयर 7 ईयर अनइनिशियल एंगेजमेंट ऑफ अपॉइंटी शैल गो ऑन इन द टर्म ऑफ JNK प्रोबेशनर। तो ये आपका 5 ईयर और 7 ईयर के लिए फिक्स किया गया है, पे और अलाउंस जो आपका उस प्रोबेशनरी एक्ट की कंडीशन के तहत ही आपको जो है वो अलाउंस वगैरह दिए जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद फ्रेंड्स आपने रेलिवेंट कैटेगरीज वगैरह सारी कुछ आपने आपकी सैलरी तभी आएगी जब आपकी वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगी, और अगर आप किसी का फॉर्ज्ड या फेक डॉक्यूमेंट्स मिलता है तो उसके लिए जो है प्रोसिक्यूशन क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन का क्या वो उसके बाद प्रोसीड
किया जाएगा केस वगैरह, तो इसलिए उसके बाद सैलरी भी जो आपकी तभी होगी जब आपका सेटिस्फेक्टरी रिपोर्ट आएगी, जेनवननेस ऑफ सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ कंडीशन रिसीव्ड, जैसे आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे जेनवन होंगे उसके बाद ही आपकी सैलरी वगैरह जो है वो आपको दी जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद और इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट फ्रेंड्स, अगर आपकी अपॉइंटमेंट यहाँ पे हो जाती है, ठीक है, इनिशियली 5 ईयर के लिए आपकी ट्रांसफ़र जो है एक जगह से दूसरी जगह कहीं भी नहीं हो सकती है, ठीक है, फर्स्ट 5 ईयर, ठीक है, फर्स्ट 5 ईयर जो है आप अपनी ट्रांसफ़र के लिए क्लेम नहीं कर सकते हैं। अगर आप RBA कैटेगरी या ALC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 7 ईयर मिनिमम, आपको 7 साल जो है वो आपने उसी एरिया में रहना है जहाँ पे आपकी फर्स्ट अपॉइंटमेंट होगी, उससे पहले आप जो है ट्रांसफ़र के लिए क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। जनरल कैंडिडेट्स के लिए जो 5 ईयर और बाकी RBA और ALC कैंडिडेट्स के लिए जो है वो 7 साल से पहले आप जो है वो कहीं पे भी अपना कैडर वगैरह या अपने ट्रांसफ़र के लिए कहीं भी अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये इसमें बेसिक रूल जो है मेंशन किया गया है। तो फ्रेंड्स उसके बाद ये ऑफिशियली जो लिस्ट है जिसमें जैसे सीरियल नंबर 1 हम देखते हैं अदनान अली मलिक हैं कोई, तो डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट इनका रजौरी है, तो कुछ सिलेक्शन जो है इनकी जम्मू डिवीज़न में हुई है, डिविजनल कैडर में, ठीक है, जम्मू डिवीज़न में हुई है, और इनको जो है ऑर्गेनाइजेशन अलाट हुई है वो गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज जम्मू अलाट हुआ है, ठीक है। ऐसे ही फ्रेंड्स ये जैसे सेकेंड कैंडिडेट है वीरेश्वर शर्मा, श्रिया जम्वाल, जोगीता मामलिया ममोलिया, ठीक है, ऐसे ही इनको जो है कंट्रोलर ड्रग्स एंड फूड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ये डिपार्टमेंट मिला है, ठीक है। उसके बाद ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू मिला है जैसे सुरजीत सिंह को, ठीक है। ऐसे ही ये आपकी ऑल ओवर लिस्ट है, और GMC जम्मू, GMC जम्मू, ठीक है, उसके बाद ये सभी अभी मेडिकल जम्मू ही की लिस्ट है, ठीक। तो उसके बाद फाइनली फ्रेंड्स हम लास्ट में देखते हैं कि अल्टीमेटली इन्होंने जो है वो कितने कैंडिडेट्स को फाइनली इसमें लिस्ट में लिया है। तो फ्रेंड्स ये आपकी जो है फाइनल लिस्ट में आपका लास्ट जो कैंडिडेट है वो 582 सीरियल नंबर है जो इनकी वेरिफिकेशन हुई है, तो अल्टीमेट ये आपकी ऑल ओवर जो है 582 कैंडिडेट्स की ही लिस्ट अभी आउट हुई है हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में। रिकमेंड टोटल 798 को किया है, बट उनमें से अभी बहुत सारे कैंडिडेट्स की जो है वेरिफिकेशन पेंडिंग है, तो इसलिए उनको अभी उनकी लिस्ट नहीं निकली है। और स्टिल अभी फ्रेंड्स आपको पता ही है अभी तक तो 5,000 ही जो अराउंड 5,000 कैंडिडेट की ही सिलेक्शन हुई है, अभी अराउंड 3,500 के करीब जो है वैकेंसीज पेंडिंग है, क्योंकि ऑलरेडी ग्रेजुएट को इसमें आउट कर दिया गया है, तो जिसकी वजह से उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी जो है जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, जल्दी होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो फ्रेंड इससे अल्टीमेटली हमने लास्ट में यही अब देखा कि अभी जैसे हेल्थ की लिस्ट इशू हो गई है, ऐसे डिफरेंट डिपार्टमेंट वो भी अपना जो है काम जल्दी से शुरू कर दिया होगा उन्होंने, और जल्दी ही आपकी विद इन 1 मंथ तकरीबन सभी डिपार्टमेंट के जो है वो ज्वाइनिंग लेटर सबको आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये थी इंपॉर्टेंट अपडेट, अगर किसी को कोई भी डाउट है क्यूरी है तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकता है, तो मैं इंडिविजुअली जो है सबको रिप्लाई करूँगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, तो ऐसे सपोर्ट मिलती है फ्रेंड्स, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तो ताकि कोई भी फ्यूचर अपडेट हो आपको इस चैनल से मिलती रहे। थैंक यू।